आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शिव नाम के प्रभाव की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव की कृपा से घर की दरिद्रता दूर होती है, शरीर स्वस्थ होता है। वे मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगता हुआ अंत में शिव लोक को पाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सी बकरियां थीं। वह बकरियों को चराने के लिए हर रोज जंगल में ले जाता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा पधारे। साधु महात्माओं ने गांव में हवन यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। तब सब गांव वालों ने मिलकर पूजन सामग्री की व्यवस्था की और साधु महात्मा यज्ञ करने लगे। वह साधु महात्मा यज्ञ करते हुए पीपल के पत्तों पर शिव शिव लिखते वे पूजा करते। एक दिन शिव नाम लिखा हुआ एक पत्ता उड़कर उधर चला गया, जहां वह चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था, और वह पत्ता उनमें से एक बकरी ने खा लिया। संध्या को वह अपनी सभी बकरियों को लेकर वापस घर आया और बाड़े में बंद कर दिया। बाड़े में बंद सब बकरियां तो मैं कर रही थी, लेकिन वह बकरी जिसने शिव नाम का पत्ता अपने अंदर ले लिया था, वह शिव शिव करने लगी। क्योंकि जिसके भीतर शिव समा जाते हैं उसकी मैं खत्म हो जाती है। उसे शिव शिव बोलते देख अन्य बकरियां सोचने लगी, इसे क्या हो गया, यह अपनी भाषा मैं छोड़कर यह क्या बोल रही है। सब ने उसे अपनी भाषा में समझाया, लेकिन उसने शिव शिव कहना बंद नहीं किया। तब अन्य बकरियों ने क्रोधित होकर उसे धकेल धकेल कर बाड़े से बाहर कर दिया। सुबह जब चरवाहे ने आकर देखा कि एक बकरी बाहर है, तो वह हैरान हुआ कि ये बाहर कैसे आ गई। वह फिर से सब बकरियों को चराने के लिए ले गया, शाम को लाकर बाड़े में बंद कर दिया, लेकिन वह बकरी अब भी शिव शिव कर रही थी। अन्य बकरियों ने फिर से उसे बाहर कर दिया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन चरवाहे ने सोचा, शायद इस बकरी को कोई रोग हो गया है, इसलिए इसे अन्य बकरियां बाहर कर देती हैं। अब चरवाहे ने भी उसे अपने पास रखना ठीक न समझा और वह उसे दूर जंगल में छोड़ आया। जंगल में खड़ी उस बकरी को एक चोर ने देखा। चोर ने सोचा, इससे पहले कि इसका मालिक आए, मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ। चोर ने उस बकरी को बांधा और अपने साथ ले गया। दूसरे गांव में जाकर एक किसान को उसे बेच दिया। किसान बकरी को पाकर खुश था, क्योंकि बकरी एक तो सारा दिन शिव शिव करती और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में मीठा दूध देती। किसान उस दूध को बेचता और पैसा कमाता। धीरे धीरे किसान के आर्थिक हालात सुधरने लगे और देखते ही देखते किसान के घर की दरिद्रता दूर हो गई और उसके घर धन का आगमन होने लगा। एक दिन नगर के राजा का मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव में से गुजरे, जहां वह किसान उस बकरी के साथ रहता था।
मंत्री को भूख और प्यास दोनों ही सता रही थी। किसान का घर देखकर सैनिकों ने आवाज लगाई। किसान बाहर आया और पूछा क्या सेवा की जाए। तब सैनिकों ने कहा, हमें भूख और प्यास लगी है, हमारे लिए अन्न जल की व्यवस्था करो। तब किसान ने पहले मंत्री और सैनिकों को जल पिलाया और फिर बकरी का मीठा मीठा दूध पीने को दिया। दूध पीकर मंत्री बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने किसान से कहा, हमने इतना मीठा दूध पहले कभी नहीं पिया और इस दूध को पीकर हमें इतनी तृप्ति हो गई है कि अब भोजन को मन नहीं है। तब किसान ने मंत्री को बकरी के बारे में बताया और कहा, ये बकरी सारा दिन शिव शिव करती है। जब से ये मेरे घर में आई है, मेरे घर की सारी दरिद्रता ही चली गई है, मेरे घर में सब सुख हो गए हैं। किसान की बात सुनकर वे बकरी को शिव नाम जपते हुए देखकर मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और किसान को धन्यवाद देते हुए नगर की तरफ चल पड़े। जब मंत्री महल में पहुंचा, तो उसे पता चला कि राजमाता काफी अस्वस्थ हैं और राज वैद्य ने भी कह दिया है कि हमारे पास इनका इलाज नहीं है। अब यदि भगवान ही कोई करिश्मा करे तो यह ठीक हो सकती हैं। राज वैद्य ने कहा कि अब सारा दिन सारी रात राज माता के पास बैठकर इन्हें भगवान का नाम सुनाओ, वही इनकी रक्षा करेंगे। अब परेशानी यह थी कि कौन दिन रात बैठकर राज माता को भगवान का नाम सुनाए। तब मंत्री को उस बकरी का स्मरण हो आया जो सदा ही शिव शिव करती रहती है। मंत्री ने राजा से उस बकरी के बारे में बताया, परंतु राजा को विश्वास न हुआ। राजा ने कहा, जब तक मैं अपनी आँखों से न देखूँगा नहीं मानूँगा। तब मंत्री राजा को लेकर किसान के पास गए। जब राजा ने बकरी के मुख से शिव नाम सुना तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने किसान से बकरी की मांग की। किसान ने कहा, महाराज मैं आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ, लेकिन जब से ये मेरे घर में आई है, इसके नाम जप के प्रभाव से मेरे घर की दरिद्रता दूर हो गई है, मेरे घर में सब सुख हो गए हैं। यदि ये चली गई तो फिर से मेरे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं लौटेंगे। तब राजा ने किसान को धन के साथ साथ बहुत सी भूमि भी दी, जिस पर खेती कर किसान अपना जीवन निर्वाह कर सके। बकरी को महल में लाया गया, राज माता के पास बांधा गया। अब बकरी सारा दिन शिव शिव करती, जिसकी आवाज़ राज माता के कानों में जाती। धीरे धीरे राज माता ठीक होने लगी। फिर उन्हें बकरी का मीठा दूध पीने के लिए दिया जाने लगा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजमाता पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर खड़ी हो गई। बकरी के मुख से निकलने वाली आवाज़ शिव शिव को सुनकर सारा महल सारा नगर शिवमय हो गया और हर कोई शिव 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 कहने लगा। तो बंधुओं, ये है भगवान के नाम का प्रभाव। शिव शिव जपते हुए एक बकरी जो कि एक पशु है राजमहल पहुंच गई। उसके अंदर का अहम यानी कि मैं मिट गई। तो क्या हम इंसान भगवान का नाम लेकर इस भव सागर को पार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जरूरत है तो शिव में होने की, राम में होने की, कृष्ण में होने की।
सुबह शाम उठते बैठते, सोते जागते, हंसते रोते, बस एक ही नाम गाइए और शिव में, राम में और कृष्ण में हो जाइए। कलयुग केवल एक अधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। बोलो भगवान महादेव की जय, बोलो भोले भंडारी की जय। बंधुओं, भगवान शिव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।